यूक्रेन ने रूस पर 100 से अधिक ड्रोन से हमला बोला। ये ड्रोन मॉस्को तक पहुंच गए। एक विस्फोटक का निर्माण करने वाले संयंत्र पर भी हमला बोला। निवासियों ने शक्तिशाली विस्फोट और सफेद धुआं उठने की सूचना दी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वायु रक्षा इकाइयों ने रूस के ऊपर 110 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया। ड्रोन ने या एम सर्विदलोव पर हमले का प्रयास किया। मॉस्को से लगभग 400 किलोमीटर पूर्व में स्थित संयंत्र निजनी नोवगोरोड क्षेत्र में स्थित है। यह अटैक यूक्रेनी शहर क्रिवी री पर रूसी मिसाइलों हमलों के बाद किया गया। रूसी हमले में 17 लोग घायल हुए थे। ये संयंत्र यूक्रेन युद्ध में रूसी सेनाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले विस्फोटकों के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है। इस संयंत्र पर अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि निजनी नोवगोरोड पर 8 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए गए। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि मॉस्को क्षेत्र के रोमांस्की में मलबा गिरा, लेकिन कोई नुकसान या हताहत नहीं हुआ। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पिछले सप्ताह रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 20 से अधिक मिसाइलें, लगभग 800 निर्देशित हवाई बमों और 500 से अधिक स्ट्राइक ड्रोनों से हमला बोला। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने कहा कि वो अभी भी अपने हमले से हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र के गवर्नर ने कहा कि डेजर्जेंस्क शहर में एक औद्योगिक क्षेत्र पर ड्रोन हमले में 4 अग्निशामकों को छर्रे लगे हैं। यूक्रेनी शहर क्रिवी री पर रूस ने मिसाइलों से हमला किया। इसमें 17 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस ने मिसाइलों और ड्रोनों से प्रशासनिक भवन, होटल और शैक्षणिक भवनों को निशाना बनाया। क्षेत्रीय गवर्नर सेरही लिसाक के मुताबिक हमले में 15 अपार्टमेंट, स्टोर, एक कैफे, एक चर्च, कार्यालय स्थान, एक बैंक शाखा और एक गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा है। बता दें कि क्रिवी री यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का गृह नगर है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक उसने रूस के 39 में से 31 ड्रोनों को मार गिराया है। रूस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से भी हमला बोला है।